हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। बच्चों, आज से हम फिर से अपनी हिंदी की जो बुक है यानी पाठमाला फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अभी पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था? पिछले वीडियोस में हमने व्याकरण पढ़ी थी और अब से फिर से हम अपनी पाठमाला पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे पाठमाला का पाठ 6, साथी की सहायता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साथी की सहायता जो है वो एक चित्र कथा है, यानी चित्रों के साथ में एक प्यारी सी बड़ी अच्छी सी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए, है ना। तो एक मुर्गा जो था, उसकी सहायता उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने कैसे की, इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी बुक निकालनी है और बुक में पाठ 6, साथी की सहायता निकालो और मेरे साथ साथ अपनी बुक में उंगली रखते जाइए ताकि आप मुझसे अलग होकर ना पढ़ें। ठीक है, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबने अपनी बुक निकाल ली ना, हिंदी पाठमाला पाठ 6, साथी की सहायता। एक था मुर्गा, नाम था टिक्कू। क्या नाम था उसका? टिक्कू। रोज सवेरे बांग देता। अब बांग क्या होती है? बांग बोलते हैं मुर्गे की आवाज़ को, कुकड़ू कू कुकड़ू कू, मुर्गा ऐसे आवाज़ निकालता है ना, इसी को बोलते हैं बांग देना। ठीक है, तो मुर्गे की बांग सुनकर सारे जानवर जाग जाते और अपने अपने काम में लग जाते। क्या करते थे सारे जानवर? जाग जाते थे। जब मुर्गा बांग देता था तो सारे जानवर जाग जाते थे, और जब जाग जाते हैं तो फिर अपने अपने कामों में लग जाते थे। एक दिन क्या हुआ पता है? एक दिन टिक्कू ने आवाज़ लगाई, खुकड़ू खू खुकड़ू खू। अरे, आज टिक्कू को क्या हो गया? इसकी आवाज़ कैसे बदल गई? उन जानवरों में जो कुत्ता था वो बोला, अरे आज टिक्कू को क्या हो गया, इसकी आवाज़ कैसे बदल गई? मुर्गा बोलता है, खुकड़ू खू खुकड़ू खू। बिल्ली ने कहा, अरे टिक्कू तेरे गले को क्या हो गया, लगता है रात को बढ़िया माल खाया है, है ना, तभी तो उसका गला ख़राब हो गया था। और जब ये बात बिल्ली ने कही तो क्या हुआ? सारे जानवर ठहाका लगाकर हंसने लग गए। टिक्कू को बहुत गुस्सा आया और वो क्या बोला, एक तो मेरा गला ख़राब है फिर भी मैं सबको जगा रहा हूँ, और तुम सब हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब गधे की बारी थी। गधा बोला, भाई तुम खुकड़ू खू जो कर रहे हो, यही आवाज़ निकाल रहा था ना टिक्कू। तो गधे ने कहा कि तुम खुकड़ू खू कर रहे हो इसलिए सब जानवर जो हैं वो तुम पर हंस रहे हैं। तो टिक्कू ने क्या कहा, कोई बात नहीं, कल मज़ा चखाऊंगा, कल मैं बांग ही नहीं दूंगा, देखता हूँ कौन इन्हें जगाता है। अगले दिन सुबह टिक्कू ने बांग ही नहीं दी। सारे जानवर सोते रहे, क्योंकि सारे जानवर कब उठते थे? जब टिक्कू बांग देता था, यानी कुकड़ू कू बोलता था। और अब जब उसको गुस्सा आया तो उसने सोचा कि इनको मज़ा चखाना चाहिए, तो उसने क्या किया, बांग ही नहीं दी। जब टिक्कू की बांग की आवाज़ ही नहीं आई जानवरों के पास में, तो सारे के सारे जानवर सोते रह गए, है ना। और फिर टिक्कू क्या बोला, देखा आज कैसे सब खर्राटे लेकर सो रहे हैं, ना मैं खुकड़ू खू बोलूँगा और ना तुम सब जागोगे। क्या कहा उसने, कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, खर्राटे लेकर सो रहे हैं, है ना, और अब मैं खुकड़ू खू भी नहीं बोलूँगा और फिर तुम जागोगे कैसे। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी। इसको टिक्कू को,
तो क्या बोला वो, बड़े जोर की भूख लगी है, आज अकेले ही सारा दाना और चने खाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारे जानवर तो सो रहे हैं। तो टिक्कू ने सोचा कि मैं ही सारा खा जाता हूँ। अब क्या हुआ, टिक्कू पेड़ से नीचे आकर दाना और चने चुगने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर आ निकली और लोमड़ी क्या बोली, अरे वाह, कितना मोटा ताज़ा मुर्गा है, बड़ा अच्छा अवसर मिला है, इसे खाने में बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ खा लिया था, तो लोमड़ी को क्या लगा, इतना मोटा ताज़ा मुर्गा है और अवसर, अवसर का क्या मतलब होता है, अवसर का मतलब होता है मौका। तो लोमड़ी को क्या मिला था, एक अच्छा मौका मिला था टिक्कू को खाने का। तो उसने कहा कि अरे वाह, कितना मोटा ताज़ा मुर्गा है, बड़ा अच्छा मौका मिला है, इसे खाने में बड़ा मज़ा आएगा। अब टिक्कू ने जैसे ही गर्दन उठाई तो उसने सामने क्या देखा, उसके सामने तो लोमड़ी खड़ी है। और टिक्कू क्या बोला, हाय हाय, ये लोमड़ी तो मुझे ही खाने आ रही है, खा खा कर मेरा पेट फूल गया है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं, हे भगवान, क्या करूं, बांग लगाता हूँ। अब उसने क्या किया, फटाफट से खुकड़ू खू करने लगा वो, अपनी बांग लगाने लगा वो। अब क्या हुआ, बांग सुनकर सारे जानवर जाग गए। लोमड़ी को देखा तो उस पर झपट पड़े। बिल्ली ने क्या बोला, अच्छा तू हमारे मुर्गे को खाएगी, अब भी तुझे मज़ा चखाती हूँ, तेरी पूँछ ही काट लेती हूँ। क्या कहा उसने, तेरी पूँछ ही काट लेती हूँ। तभी गाय भी दौड़ती हुई आई और वो क्या बोली, मैं अपने पैने सींगों से तेरा पेट फाड़ दूंगी। पैने क्या होता है, पैने का मतलब तेज धारदार शार्प होते हैं ना उसके सींग। तो उसने कहा कि मैं अपने शार्प वाले सींग जो हैं, पैने वाले सींग जो हैं, उनसे तेरा पेट फाड़ दूंगी। तभी घोड़ा भी आ गया और उसने क्या कहा, ये ले मेरी दुलत्ती, अब कभी इधर आने की हिम्मत नहीं करेगी। जब उसने उसको एक टांग मारी, दुलत्ती का क्या मतलब होता है, घोड़े या गधे की पीछे वाली जो टांगें होती हैं उनको कहते हैं, है ना। तो उसने क्या कहा कि ले मेरी दुलत्ती, अब कभी इधर आने की हिम्मत ना करेगी। अब क्या हुआ, जब उसने उसको अपनी टांगों से उठा के मारा, लोमड़ी हवा में उछल गई और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। हाय हाय, मार डाला रे, कमबख्तों ने मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। और ये कहते हुए लोमड़ी लुढ़कती पुड़कती भाग गई। सभी जानवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो देखा आपने, सब दोस्तों ने मिलकर कैसे टिक्कू की जान बचाई, है ना। तो ऐसे ही जब कभी भी दोस्त को हमारी ज़रूरत होती है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस कहानी को आपको रीड करना है, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा और ऑनलाइन क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे ही, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब बाय बाय।